क्या खरगोश के साथ खेल रही है? की ए ए ए हाँ? इस खरगोश तेरा क्या बिगाड़ा है भैया? ये तो तेरी भूख भी नहीं मिटा सकता। भूख मिटाने के लिए मैंने थोड़ी ना मारा था, मैं तो खेल रहा था। वो गिलहरी देख रही है, चल खेल, चल मार मार, चल मार मार इसे। उसकी जान बचाने से तुझे क्या लगता है तू देवी बन जाएगी, राक्षसी रहेगी। मार है, खींच, मार उसे, मार, मैं कहता हूँ मार उसे, मार। जैसे महाकाव्य में बहुत सी छोटी बड़ी कहानियां सुनाई देती है, जो कहीं कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वासुदेव के चक्र और अर्जुन के धनुष के आगे फीकी पड़ जाती है। लेकिन एक कहानी है जो इस प्रदेश के लोगों के लिए फीकी नहीं पड़ी। इस कहानी ने तो महाभारत को पीछे छोड़कर अपना ही एक नया रूप ले लिया है। ये कहानी है मनाली की देवी हिडिंबा की। ये राजा की दादी माता हिडिंबा जो है सबसे बड़ी है। हमने सुना है भीम की पत्नी है ये। शी इज वाइफ ऑफ आई थिंक अर्जुन। हिडिंबा माँ पहले तो राक्षसी थी। हिडिंबा देवी जी ने सुंदरी का रूप रख करके उनको अपनी ओर आकर्षित किया था। तो हिडिंबा थी कौन? क्या वो हिडिंब राक्षस की बहन एक राक्षसी थी जिसने भीम से प्यार करके उनके इंतजार में सारी उम्र गुजार ली, या फिर एक देवी जिसने अपने पोते और पुत्र दोनों को ही कुरुक्षेत्र युद्ध में हार दिया? महाभारत के इस छोटे से पात्र की इस बड़ी सी कहानी को ढूंढने निकली हूँ कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। ये प्राचीन मंदिर है हिडिंबा देवी का। मनाली के लोगों का मानना है कि ये मंदिर 500 साल से भी पहले का बना है। महाभारत काल में ये पत्थर था और छोटा मोटा का भी मंदिर रहा होगा। ये जो मंदिर है ये कुल्लू के राजा ने बनाया था, बहादुर सिंह ने, 1553 में। महाभारत की एक छोटी सी पात्र कुल्लू मनाली की सबसे बड़ी देवी है। ये सफर कब और कैसे तय हुआ? जब अज्ञातवास में पांडव लोग घूम रहे थे तो उन्होंने उत्तर भारत के बहुत से स्थान हैं जहाँ का भ्रमण किया, और उसी भ्रमण के दौरान वो मनाली भी आए। तो हिडिंब जो है इधर पहाड़ों में राजा था वो, और ये उसकी बहन थी हिडिंबा। तो वो आदमी को ही खाता था वो। रात को जब भीम अपने परिवार का पहरा दे रहे थे तो हिडिंबा वहां प्रकट हुई। तुम कौन हो देवी, और इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे और मेरे भाई का जंगल है। तुम कौन हो यात्री, और यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे भाई और भ्राता विश्राम कर रहे हैं, और मैं उनकी रक्षा हेतु यहाँ पहरा दे रहा हूँ। सब सो गए और तुम जागे हुए हो? मझला हूँ ना, अपने भ्राताओं और अनुजों के विश्राम में विघ्न कैसे डाल सकता हूँ? और ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा हेतु सदा खड़ा रहूं। तुम मानवों के रिश्ते अजीब होते, अपने आराम की चिंता ना करके अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हो। यही तो मानव धर्म है देवी। देवी? मैं देवी नहीं हूँ, मैं राक्षसी हूँ।
मैं देवी नहीं हूँ और मेरा धर्म है मेरे भाई के लिए नरमास ले जाना। नरमास मतलब तुम मुझे ले जाना चाहती? हम राक्षस, यही मेरा कर्तव्य है। देवी तुम्हारी आंखों में राक्षसता नहीं दिखती, यूं अपने आप को खुद से मत छिपाओ। हिडिंबा को हिडिंब ने उनको मारने के लिए भेजा था कि उनमें से किसी एक को उठा के लाइएगा, और जब उसने भीम को देखा तो उसने देखा बड़ा खूबसूरत नौजवान है, इस नौजवान को तो हम अपने भाई का पेट की आग बुझाने के लिए तो नहीं ले जा सकते। वो बड़े मोहित हो जाती है उससे, उस भीम को देख करके, तो कहते हैं कि जो हिडिंब था वो भी वहाँ पहुँच जाता है। हाथ उठाने वाले वीर नहीं कायर होते हैं राक्षस। हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबा अकेली रह गई, तो उसने कहा कि देख हिडिंब, भीम को कहा कि मैं तो अब अकेली रह गई, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन संभालेगा, भाई तो मार दिया, अब तुमको मुझे संभालना पड़ेगा। इसने मन में ये सोचा था कि जो मेरे भाई को और आएगा उससे शादी करूंगी, तो भीम ही एक ऐसा आदमी निकला जिसने उसके भाई को जो है हराया और उसको मार दिया। और फिर अपनी माँ की आज्ञा से उन्होंने हिडिंबा से विवाह रच लिया। जब भीम उन्हें छोड़ के वापस वनवास चले गए थे तो हिडिंबा का तब क्या हुआ? भीम ने उस वक्त यह भी कहा था कि मैं सिर्फ एक साल तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके बाद तुम्हारी शादी बैध नहीं होगी, मैं चला जाऊंगा, जो मेरा बेटा होगा वो तेरे पास रहेगा। जब पांडवों की शादी द्रौपदी से हुई तो हिडिंबा को कैसे लगा? बहुपति प्रथा यहाँ कोई नई बात नहीं थी, आज भी जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है लाहौल और किन्नौर विशेष करके और अन्य भागों में भी बहुपति प्रथा है। कहते हैं कि भीम घटोत्कच के जन्म के बाद वापस चले गए, कई साल बाद उन्हें फिर से वनवास हुआ, तब भी हिडिंबा ने उन्हें कुछ समय के लिए अपने यहाँ रखा, जहाँ घटोत्कच ने अपने पिता को वचन दिया कि इस युद्ध में वो अपनी जान तक दे देंगे। कहते हैं कि घटोत्कच के जन्म के लिए ही हिडिंबा का जन्म हुआ। अगर सब भगवान कृष्ण की लीला है तो भीम और हिडिंबा की शादी भी एक लीला थी। इट वॉज ऑलवेज मेंट टू बी, क्योंकि महाभारत के इस युद्ध में घटोत्कच को अभी बहुत बड़ा किरदार निभाना था। कृष्ण भगवान ने यही उनको समझाया कि अगर तुम इन पांडवों के साथ चले गई तो तुम एक राक्षसी रहोगी, तुम्हारी याद कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम पीछे रहोगी और तपस्या करोगी और तेरे जो पुत्र पैदा होगा वो जब महाभारत में काम आएगा, तू देवी कहलाएगी कलयुग में और तेरी पूजा होगी,
और हिडम्बा ने उस बात को मानकर इसी बड़े पत्थर के नीचे तपस्या की। महाभारत का युद्ध हुआ तो उस वक्त भी उसको बुलाया गया और कर्ण के साथ उसका युद्ध करवाया और कर्ण को उसने मरने के लिए तैयार कर दिया। कर्ण जो है उस शस्त्र को उसके ऊपर ना छोड़ता तो वो मर जाता है और उसकी भी याद जो है कृष्ण भगवान ने उसको याद कराई, अरे तेरा शस्त्र तो ऐसे ही बेकार रहेगा, पहले अपना बचाव कर ले। तो फिर उसने वो शस्त्र उसके ऊपर चला करके तो गटरोस्कस को मार दिया। नहीं तो किसी पर वो उसका बाण जो है कर्ण का बाण लगना था तो वो किसी की बदली तो किसी ने उसकी मृत्यु होनी थी, चाहे अर्जुन की हो जाती, चाहे भीम की होती, चाहे किसी और की हो जाती है। लेकिन कृष्ण ने जो है उसको बचाव के लिए, उन दोनों इन वीरों को बचाने के लिए जो है ये गटरोस्कस को पैदा किया था। कहते हैं पहले पौत्र फिर पुत्र, ये युद्ध मुझसे और कितनी बलि लेगा। कैसे हुई मेरे वीर पुत्र की पराजय? वासुदेव कृष्ण, हिडिंबा ने अपने पतित्व के लिए बहुत त्याग किए। उन्होंने भीम के प्रेम और इंतजार के लिए अपना जीवन बिताया, मगर युद्ध के बाद सब कुछ खो देने पर हिडिंबा अपने आपे से बाहर हो गई। राक्षसी होने की इतनी बड़ी सजा दी वासुदेव कृष्ण। तुम्हारे पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तुम्हें ये रोना शोभा नहीं देता। मैं पत्नी होकर भी रानी नहीं, माँ होकर भी माँ नहीं, सारे जीवन की तपस्या का यही फल मिला मुझे। बड़े भगवान बने फिरते, क्या यही न्याय था तुम्हारा? ये न्याय नहीं था, ये नियति थी। नहीं मानती इस नियति को, ये सब खेल था तुम्हारा। एक माता एक पत्नी, वासुदेव कृष्ण से ये पूछना चाहूंगी कि यही बलि क्यों? कुलराज घराने ने हमेशा मुझे बाहर वाली माना, विवाह के बाद भी पति त्याग दिया, उनसे दूर रही। कुंती पुत्र भीम की पहली पत्नी मैं थी, परंतु द्रौपदी को महारानी का मान मिला और आज मेरे ही खून से युद्ध की लकीरें साधी गई। मेरे ख्याल में श्री कृष्ण भी उसका निवारण नहीं कर पा पाए। उन्होंने कहा कि जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं कर्म के अनुसार उसको वैसा वैसा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी भूमिका इतनी थी कि तुमने घटोत्कच को पैदा करना था और घटोत्कच को वो बाण सहना था जो उसने कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। युधिष्ठिर की जो विजय हुई वो घटोत्कच के कारण हुई और इस बार से वो खुश थे कि चलो जी श्री कृष्ण ने सारा श्रेय मेरे बेटे को दिया और मुझे दिया। कुलू के राजा हिडिंबा को दादी क्यों मानते हैं? वो दादी इसलिए मानते हैं कि इनका जो पहला जो था बुजुर्ग भगवानी पाल, उसने दादी करके पुकारा और हिडिंबा ने इस उनको राज दिया। हिडिंबा को देवी कब से मानने लगे यहाँ के लोग? देवी तब से ही मानने लगे जब उन्होंने वरदान दिया भ्यंगमणिपाल को कि तुम्हें इस घाटी का पूरा शासन मिलेगा, और तब से उन्होंने उसको अपना दादी मानना शुरू कर दिया। हियर इन दिस वैली ये सिर्फ मिथ नहीं रहा, हिमाचली अपने देवों से एक अपनेपन से बात करते हैं। ये सिर्फ इनकी मान्यता ही नहीं, इनकी पूरी लाइफस्टाइल है। जो कुल्लू का दशहरा है एक भारत में एक बड़ा यूनिक सा इवेंट है,
जहाँ सारे गांव के देवता, जो छोटे देवता समझ लीजिए, भगवान रघुनाथ को वर्शिप करने, उन्हें ओबीसेंस पे करने दशहरा पे आते हैं। दशहरे से एक दिन पहले मनाली में अपने निवास स्थान से निकली हडिम्बा पहले अपने पुत्र घटोत्कच के मंदिर उसे मिलने जाती है और वहीं से मनाली से कुल्लू तक का सफर तय करते हुए कुल्लू दशहरे में सम्मिलित होती है। दशहरे में जाने वाले हर देवता की अपनी एक एनर्जी होती है। कहते हैं उनके पुजारियों या गुरुओं पर वो प्रभावित होती है। दिस इज हाउ दे कनेक्ट टू द पीपल। ये 360 देवता थे जिनको कुल्लू के राजा ने जागीरें दी हुई थी, सबसे ज्यादा हडिम्बा को दी हुई थी। कुल्लू दशहरे का ये अनोखा सेलिब्रेशन इस घाटी के सभी देवी देवताओं को इकट्ठा करता है। लाखों लोगों की ये फ्रेंजी शायद ही और किसी जगह देखने को मिलेगी। मनाली के लोगों के लिए कोई भी त्योहार हडिम्बा देवी की इजाजत के बगैर नहीं होता। इनकी मान्यता इतनी है कि यहाँ के लोग दशहरे की शुरुआत इन्हीं के रथ से करते हैं। सभी देवता इन्हीं के पीछे पीछे दशहरे के मेले में आते हैं। दशहरे में जो अस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा होगी, वो तब तक नहीं होगी जब तक हडिम्बा नहीं आएगी। और बाकी देवताओं को हम बुलावा नहीं भेजते। जो आएंगे यहाँ हम उनको रिसीव करेंगे, बाहर तक छोड़ देंगे। कल जितने देवते आएंगे सबको प्रणाम करके छोड़ देंगे, लेकिन हडिम्बा का इंतजार सारा परिवार करेगा। कुल्लू के राजा के घर से ही ये सारी सेलिब्रेशंस शुरू होती है। एक एक करके वो सारे देवताओं को वेलकम करते हैं और फिर वहीं से विदा करते हैं। शिवाय। ये इतने देवी देवते रघुनाथ जी से मिलने आए हैं दशहरे के लिए। सबसे पहले हडिम्बा दशहरे में स्नान करती है, उसके बाद सभी देवी देवता माता की जय बढ़िया। दशहरे से पहले हडिम्बा देवी को ले जाने आए हैं। कहते हैं कि देव देवियों का रथ इन्हीं के शक्ति से चलता है। एक मिथक कथा को प्रूव करना शायद इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये तो सदियों से चली आ रही ओरल कहानियां हैं। हर रचना, हर कहानी उस जमाने की मूल्य की साक्षी होती है। It says what it sees. और हडिम्बा को यहाँ अधर्मी, अनार्य या दानवी नहीं मानते। She has changed forever. मैंने तुझे अपने पुत्र हत्या के पाप से मुक्त किया। क्षमा करती है तुझे ये राक्षसी हडिम्बा। तुम तो आज हम सब से ऊंची हो गई हिरमी। हिरमी, तुम जन्म से राक्षसी हो, मगर आज तुम मेरे लिए देवी हो। तुम्हारे निस्वार्थ जीवन की कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारी तपस्या के सामने यमराज भी अपना सर झुकाएंगे। हडिम्बा, आज से तुम हर युग में हडिम्बा देवी के नाम से जानी जाओगी, पूजी जाओगी। समय के साथ कहानियां बदलती जाती हैं और प्रमाण मिटते चले जाते हैं। शायद इस चट्टान पर बैठ के हडिम्बा ने तप किया, शायद नहीं। लेकिन सब कुछ खो देने वाली हडिम्बा की इस कहानी में उन्हें माँ कहने वाले लाखों लोग जुड़ गए। फॉर देम उनका स्थान आज भी बाकी देवों से ऊपर है
और रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।